खबर देंगे आपको साहिवाल से, जहां फरी टाउन में ब्यूटी पार्लर में डकैती की वारदात हुई है। मेकअप कराने के लिए आने वाली चार दुल्हनें लुट गई। तफसलात जानते हैं नईम शेख से, बताइए नईम। ये थाना फरी टाउन का इलाका है, स्कीम नंबर 3, यहाँ पर ब्यूटी पार्लर वाकई है। यहाँ पर चार दुल्हनें मेकअप करवाने के लिए आई थी और डाकू जो है वो खवातीन के बेस में दाखिल हुए और ब्यूटी पार्लर में दाखिल होते हुए उन्होंने आज जितनी भी वहाँ पे दुल्हने थी, जहाँ जो भी हमला था उन्हें यरबार बनाते हुए उन्होंने वहाँ पे जो तलाई जेवरा तैयार होने के लिए दुल्हने साथ लेके आई थी वो लुटाया। उसके बाद असरा लहराते हुए वो चले गए। अब हम ये कह सकते हैं बेचारी दुल्हने, ये खानदान वाले जिनके आज अरमान थे, खुशियों बड़ा घर था उसमें गमी के, वो आप कह लें कि वहाँ पे तराने जो है वो बज रहे होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान, तकरीबन 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। 18 तोले तलाई जेवरा लूटे गए हैं और जिनकी मालियत 50,000 बनती है। यहाँ पर पुलिस आई है, पुलिस ने भी इब्तदाई तफ्तीश की है और बताया ये जा रहा है कि ये जो डाकू थे ये खवातीन के बेस में दाखिल हुए थे, इसलिए उनके लिए आसानी होगी दाखिल होते हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं रोका, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है लेकिन उसने रोका नहीं क्योंकि डाकू जो है वो खवातीन के रूप में दाखिल हुए। तो नहीं कोई सीसीटीवी कैमरा जिसकी मदद से उनको गिरफ्तार करने में मदद मिले? अभी वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो निकाली जा रही है, अभी हमारे सामने भी ये सारा सिलसिला हो रहा है। मैं भी जयबकुआ पर मौजूद हूँ, अभी मजीद जो मामला होते हैं वो मैं आगाह करूंगा जी आपको। बहुत शुक्रिया नईम शेख। और कराची में बुजुर्ग खवातीन से लूट मार करने वाला गिरोह पकड़ा गया, जताफी गैंग।